السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خيرت تو ہے ارے بہن جاڑے میں اتنی صبح صبح کہاں جا رہی ہو اس وقت میں ایسا قرآن پڑھنے جاتی ہوں कुरान पढ़ने जाती हो तुम्हें इतना वक्त मिल जाता है क्या क्या क्लास की किताबें कम है जो तुम कुरान के लिए वक्त निकल लेती हो वक्त निकालना से निकल जाता है इस कदर वक्त निकालने की जरूरत ही क्या पड़ गई बहन तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो कि कुरान पढ़ना और समझने के लिए वक्त निकालना चाहिए क्या तुम्हें मौलानी बननी है क्या तुम्हारा डॉक्टर बनने का प्रोग्राम फेल हो गया क्या मेडिकल की तैयारी में कुरान रुकावट है किस कुरान क्या तुम कुरान पढ़कर डॉक्टर बनोगी बहन मुझे इजाजत दीजिए मैं उन लोगों से बात करती हूँ ऐसा लगता है तुम लोग कुछ भी नहीं जानती हो सिर्फ नाम का मुसलमान हो और इस्लाम तुम्हारे जैसे नाम के मुसलमान की वजह से आज पूरी दुनिया में बदनाम है इसमें बदनामी की बात कहाँ से आ गई क्या हम लोग कुरान नहीं पढ़ते तुम्हें मेरी बात बुरी लगी ना बहन बुरा मत मानना यही मुसलमान की असल बीमारी है क्योंकि आजकल मुसलमान अक्षरियत कुरान को नहीं समझते लिहाजा उन्हें मालूम ही नहीं कि कुरान क्या कहता है वह दवा के साथ कहता है कि हमें कुरान से अकीदत है कुरान के हुक्म के खिलाफ करते हैं अब तुम्हें देखो ना बहन तुम्हें दवा है तुम्हें कुरान से अकीदत है लेकिन तुम्हें यह बात समझ में ना आ सकी कि हम सुबह सुबह क्यों कैसे मदरसे कुरान समझने जाते हैं जबकि अल्लाह कुरान में फरमाया ए नबी कह दो कि मेरे इल्म में इजाफा कीजिए मेरी बढ़ोतरी कीजिए कहा तो मेरी तारीफ करती मेरी तरह हौसला करती आज भी तरह सवाल कर बैठी वह उसकी शान में तारीफ की कुछ कसीदे भर दो इसे तो तारीफ चाहिए और कुछ नहीं यह है कुरान से मोहब्बत यही तुम्हारा समझ में आया कि मुसलमान के मतलब तो होना था जो इल्म का प्यासा हो इल्म की तलब में उसकी सबर सर्व होता हो लेकिन अब उस बात को समझने की पोजीशन में नहीं रहा बहुत हो गया अब बस भी करो ऐसा लगता है जैसा कि कुरान पढ़कर इल्म का सारा बोझ अपने सर पर ले लिया हो और दुनिया की सारी बातें मालूम हो गई हो पढ़ते तो आ रहे हैं मुसलमान सदियों से कुरान पढ़ते हैं क्या वो अकलमंद हो गया और तू भी अकलमंद होते जा रहे हैं अरे बहन क्या कुरान पढ़ते हैं आजकल कितने मुसलमान हैं जो कुरान पढ़ने व समझने के लिए कोशिश करते हैं क्या मुसलमान कुरान को नहीं समझते मदरसों के उलमा कुरान को नहीं समझते तो फिर वह लोग क्या करते हैं हाँ मदरसा के उलमा कुरान को बजाय ही समझते हैं लेकिन किस कुरान को किस कुरान क्या कुरान भी कई है मैं तो यही जानती आ रही हूँ कुरान एक ही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ हाँ कुरान यही है लेकिन उसके अंदर पढ़ने के लिए रहनुमाई है हर अहले व जमाने के अलग अलग कुरान है हमें अपना कुरान को पढ़ना व समझना है हमारे जमाने का कुरान कहाँ मिलेगा इसी कुरान के सूरत और आयतों के अंदर है कहीं तुम लोग फलसफा तो नहीं बयान कर रही हो यह तो बातें हम पहली बार सुन रहे हैं बहन यह बात तो साफ है कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और दुनिया में आप बहुत ही किताबें पढ़ी होंगी किसी भी किताब में यह बात नहीं लिखी होंगी इस किताब में कोई शक नहीं है लेकिन इस किताब के शुरू में लिख दिया है जालिकल किताब ला रैब फीह तुम लोग जो कुरान पढ़ती हो कुरान पढ़ के तुम लोगों की जिंदगी का गुजर बसर हो जाएगा क्या तुम स्कूल में दुआ और अंग्रेजी सीख गई तो अपने आप को क्या समझती हो अरे बहन कुरान के बारे में गलत सोचती करती हो अगर कुरान नहीं होती तो इस्लामी तरीके से तुम्हारी शादी भी नहीं होती अरे बहन कुरान के बारे में पूछने से आपके शरीर में इतनी जोर से आग लग गई आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया आप तो बड़ी बूढ़ी बन के आई हो खुद तो कुरान के बारे कुछ नहीं जानती हो और चली आई है बक बक करने जाओ कुरान पढ़ो और कुरान समझो तब आना सवाल करने हमें माफ करना मेरी बहन आज सब लोग कुरान को समझ समझ कर पढ़ेंगे और उनके बताई सारी बातों पर अमल करेंगे इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम वालेकुम